सो इस BGIS में राउंड 4 के अंदर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग 7 सोर के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कुछ यहाँ पे चीजें रिवील हुआ है, बताता हूँ सब कुछ। सबसे पहले आज राउंड 4 का डे 2 था जो कि खत्म हो चुका है। स्टैंडिंग्स देख सकते हो, टॉप पे रहे FSE स्पोर्ट्स, बढ़िया खेले है, T1 टीम है और 76 पॉइंट निकाले। सेकंड पे केमनी स्पोर्ट्स, लास्ट गेम उतना अच्छा नहीं गया बट फिर भी इनफ पॉइंट निकाल लिए थे। थर्ड पे इंस्पिरेशन ई स्पोर्ट्स, सेम पॉइंट, बढ़िया खेले, शायद एक अंडरडॉग टीम है। एंड मैग्नेटिक ई स्पोर्ट्स। सो ये रही टॉप 4 टीम्स जो क्वालिफाई किए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, अगर कोई बैन नहीं होता है तो। एंड उसके बाद फिफ्थ पे रहे इन्फेक्टेड मशरूम्स, इनके बारे में ही कुछ बात करेंगे। फिर उसके बाद है बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, उतना भी बोल सकते हो स्टार्टिंग अच्छा नहीं आया था, एक चिकन निकाले लेकिन इनफ नहीं हो पाया, कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। फिर PLD, फिर ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स, एक बोल सकते हो कंटेंडर टीम थी, अच्छा खेल रहे थे लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाया, लेकिन कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। फिर जेनेसिस, सो मेजी ने आज प्रेडिक्ट किया था जेनेसिस और ब्लाइंड पे, क्या बोलूँ यार, मतलब ऐसे देखो यहाँ पे हेट मत देना, ये सब यहाँ पे गेम का पार्ट है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, कोई भी खराब खेल सकता है। फिर उसके बाद है DGNC एंड यहाँ पे बाकी टीम्स देख सकते हो, इम्प्रिंट, VST, आरू, राइवलरी। तो आरू का टीम का भाई बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा, अब मैं मैचेस उतना देखा नहीं हूँ सो आप लोग बता सकते हो अगर कोई सस्पिशियस क्लिप या कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा टीम्स का। तो जो भी है यहाँ पे सभी टीम्स जो टॉप 4 के बाहर है, तो वो सब टीम्स अभी जाने वाले हैं वाइल्ड कार्ड में, वहाँ पे होगा मैचेस फिर से नेक्स्ट वीक और वहाँ पे टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई करेगी। अब उसका फॉर्मेट मैं नेक्स्ट वीक समझा दूंगा। अब यहाँ पे बात करें कि मैं क्या स्टार्टिंग में बता रहा था, 7 सोर और फिर यहाँ पे ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के बारे में। सो जो यहाँ पे आज फिफ्थ नंबर पे टीम है, ये देख सकते हो इन्फेक्टेड मशरूम्स, शायद ये टीम है। तो इनके प्लेयर्स जो है ये वही प्लेयर्स है जो पहले ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग पे थे, यहाँ पे देख सकते हो इनका यहाँ पे ऑफिशियल पेज पे भी ये पोस्ट आया था, फोटो से आपको पहचान लिए होंगे कि वही प्लेयर है जो यहाँ पे पिछला साल BMPS खेले थे। तो यस वही है, बस हाँ गॉडबॉट नहीं है इसमें, गॉडबॉट के लोग निकाल दिए थे और न्यू टीम बनाए, लगभग प्लेयर सेम ही थे, इन्फेक्टेड मशरूम की टीम से खेल रहे थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग चीट किए हैं या टूटू यूज़ किए हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा कुछ सस्पिशियस तो मुझे लगा नहीं, अगर आप लोगों को लगा तो कमेंट में बता सकते हो। एंड जो भी है भाई यहाँ पे वो तो क्राफ्टन एक्शन लेगी, वो लोग चेक करेंगे ही, ऐसे लग नहीं रहा कि यहाँ पे दोबारा ये लोग चीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये लोगों को पता है कितना हेट मिला था और क्या सीन हुआ था, और इस बार तो क्राफ्टन यहाँ पे पूरा एक्शन पे है। एंड उसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं 7 सोर के बारे में। सो कल आपको पता है प्राइम स्पोर्ट्स का मैचेस हुआ था जिसमें बहुत सारे एलिगेशंस लग रहा है, तो गुज्जर ने ये स्टोरी लगाया था, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें खोजा। सो उसने यहाँ पे देखा है कि जो 7 सोर के प्लेयर्स थे वही प्लेयर नाम चेंज करके इस बार प्राइम स्पोर्ट्स से खेल रहे हैं, और मैंने आप लोगों को कल आज सुबह के वीडियो में बताया था कि जो प्राइम स्पोर्ट्स का पेज है वो एकदम नया है, जैसे कि वो अभी एक दो मंथ में ही बना है, तो एकदम न्यू पेज बना के यहाँ पे वो लोग स्टार्ट किए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे नेम चेंज किया गया है और यहाँ पे ये 7 सोर गोट एंड जो यहाँ पे पहले उनके टीममेट्स थे जॉय बॉय शायद ने एंड टॉक्सिक, तो वही प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं यार, यहाँ पे चांसेस तो है कि क्राफ्टन इस पे एक्शन लेगी और शायद बैन हो सकती है, वो तो हम लोग को नेक्स्ट वीक पता चलेगा। जो भी अब यहाँ पे आज हुआ है डे 2 खत्म, आप लोग को आज का मैचेस कैसा लगा कमेंट में बताना, और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक चीज़ और न्यूज़ है, देख सकते हो iFlix हैदराबाद हाइड्रास लेफ्ट कर चुके हैं और वो स्टोरी लगा के ये शेयर किए, गाइज नॉट प्लान्ड टू ज्वाइन एनी अदर ऑर्ग, आई एम मैरिड एंड हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कांट ज्वाइन इन हैदराबाद एंड डू अप एंड डाउन एवरी नाउ एंड देन, इट्स कॉस्टली एज वेल, ऑल्सो ओनली विलिंग टू ज्वाइन ऑर्ग बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र एज इट इज गोइंग टू बी ईजी टू बी इन टच विद माई वाइफ एंड फैमिली, इट वॉज अ ग्रेट रन मोर देन 2 ईयर्स, मतलब आपको पता है इनका शादी हो चुका है और ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो इसलिए अब वो यहाँ पे कोई और प्लान नहीं किया कौन सा ऑर्ग ज्वाइन करेंगे, और जो भी और ज्वाइन करेंगे वो मुंबई में होगा तभी ज्वाइन करेंगे, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं आगे क्या होगा, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।